हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। यदि आप आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। यदि आप बेसिक, आपको लैंग्वेज नहीं आता है, जो सी लैंग्वेज का बेसिक का बिल्कुल नहीं आता है, आप बिगनर्स हो, लर्नर्स हो, आपके लिए एकदम बिल्कुल नया है, आपको मैथ नहीं आता है, तो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, क्योंकि आप इसको याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझा दूँ आपको, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो जाता है कॉलेज में, पढ़ने लगते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। अगर शुरू शुरू में समझ में आया तो ठीक है, वरना अगर थोड़ा भी हमने लापरवाही किया तो प्रोग्राम पूरा पूरा डिस्टर्ब कर देता है हमें कि क्या है। और लास्ट में अगर एग्ज़ाम देना है तो हमें कोचिंग का भी सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? तो वहाँ पर कुछ, जब हम फीस देते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार एक और प्रेशर पड़ता है कि एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो तब हम पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में हम पास भी हो जाते हैं, ठीक है ना? चलो देखो, ये आप लापरवाही नहीं करनी है, इसको समझ लेना। किसी भी एग्जाम की बात हम करें तो आपको मास्टर वीडियो देखना चाहिए वाला, ठीक है? तो चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम कमांड का ग्रुप होता है। मतलब क्या है? कोई बोलते कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, सिंपल सा कमांड होता है ना। अगर कमांड की मैं बात करूँ तो निर्देश देना, जैसे लैपटॉप ओपन करने के लिए बटन प्रेस करते हो, जैसे बटन प्रेस करते हो कंप्यूटर ओपन हो जाता है, तो ये भी क्या है, कमांड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना? कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोग्राम बोल सकते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम कमांड का एक ग्रुप होता है। हुआ क्या था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉलेज में अपने, ठीक है, तो सी लैंग्वेज क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं चला था कि सी प्रोग्राम हम क्यों पढ़ते हैं। बस पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, और चाय का प्रोग्राम हमने बनाया था, ठीक है, वो चाय का प्रोग्राम फ्लो चार्ट वगैरह से बनाया था, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि हमें ये मालूम चाहिए होना चाहिए कि सी प्रोग्राम में कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, किस किस सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है या हम क्यों करते हैं। एक से जान लो, आपने नोटिस किया होगा जब आप गूगल क्रोम ओपन करते हो तो वहाँ पे उसका राइटिंग लैंग्वेज है, आपने देखा होगा, वो सी प्लस प्लस में है, ठीक है। और कोई भी ऐसे रेलवे वगैरह का जो बुकिंग जो सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, वो भी इसी पे बनाया जाता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, गेम वगैरह बनाना हो तो भी इस पे बनते हैं, पजल वगैरह बनाना तो भी इस पे बन जाएगा, ठीक है। इस पे आपको हाई लेवल कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कॉलेज में होता है क्या कि बस आपको नॉर्मल चीज़ें सिखा दी जाती है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। वहाँ पे कम से कम इतना सिखा देना चाहिए कि कुछ हद तक सीख जाए बंदा, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। देखो, लिखा है कि इफ का प्रयोग हम कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। मतलब क्या इफ का मतलब? ये होता है ना कि यदि सभी लड़के पास हो गए तो अगले क्लास में एडमिशन लेंगे, है ना? तो कंडीशन बात हो रही है ना, इफ का मतलब होता है कंडीशन। गो टू क्या होता है? गो टू का मतलब होता है लूपिंग स्टेटमेंट, यानी रिपीट होना लाइन डिजिट के साथ। मतलब देखो, अगर स्टेटमेंट, जब तक ये स्टेटमेंट मान लो है यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये चीज, अगर स्टेटमेंट बार बार चेक हुआ, जब तक ट्रू होगा यहाँ पे जाएगा, इस एक मान लेगा, प्रिंट कर देगा, फिर वापस जाएगा, जब तक ट्रू, मतलब कोई वैल्यू चेक कर रहे हो आप कि ये जो वैल्यू बड़ी है छोटी है, या कोई टेबल प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो उस चीज को काउंट करता रहता है, ठीक है। जब तक स्टेटमेंट चलेगा ट्रू होता रहेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, जब स्टेटमेंट क्लोज जाएगा बाहर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये स्टेटमेंट के अंतर्गत है गो टू, ठीक है, सॉरी, इसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, ओके। अब देखो नेक्स्ट लिखा है अल्गोरिदम क्या होता है। अल्गोरिदम इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आधार पर क्रम में लिखा जाता है, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल होता है, इसका स्टार्ट होता है, इसका जो प्रोग्राम होता है स्टार्ट शुरू होता है और स्टॉप पे खत्म होता है, बीच में इसका पूरा 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 प्रोसीजर होता है। ख्याल रखना, जो एल्गोरिदम हम यूज क्यों करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको पढ़ना है बीटेक वगैरह में, या आप डिप्लोमा कर रहे हो पीजीडीसी वगैरह, तो वहाँ पे, या सीएस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एल्गोरिदम पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक और चीज़, एल्गोरिदम यूज़ कहाँ होता है, जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब का जो पूरा सिक्वेंस मैनेज किया जाता है वो भी एल्गोरिदम बेस पे होता है। किसी भी एक बल्क डेटा की बात करें तो उसको जो मैनेज करने का जो तरीका होता है, एल्गोरिदम में पूरा पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखिए प्रोग्राम में त्रुटि होना बग कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता है कि जब त्रुटि हो, यानी कोई एरर हो गया प्रोग्राम में, तो उसको क्या बोलते हैं, बग। अगर उस बग को खत्म कर दिया जाए तो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे डीबगिंग, ठीक है। ख्याल रखना, बग मतलब एरर और डीबगिंग मतलब उसका हल निकालना, सॉल्व करना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा कि निर्देशों के समूह को सिक्वेंस करके कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कही जाती है। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, बता सकते हो कि कंप्यूटर
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कमांड का एक ग्रुप होता है, ये भी बोल सकते हो। बोलोगे इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंशियल क्रम में लिखा जाए, कंप्यूटर को समझ में आने वाली जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन लैंग्वेज वन, देखो ऑप्ट कोड होता है, एक होता है लोकेशन कोड। ठीक है, ख्याल रखना जो इंस्ट्रक्शन मशीन में होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। एक जो हम एक एक्शन करते हैं, क्रिया मतलब क्या कह सकते हैं, जो हम कोई भी अगर टास्क देते हैं वो ऑप्ट कोड में होगा, एक होता है लोकेशन कोड पे। अब बात करते हैं आईएनटी क्या होता है। तो भाई आईएनटी कुछ लोगों को ना बहुत डिस्टर्ब करता है, ये आईएनटी है क्या, ठीक है, बहुत परेशान करता है। क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं समझा है ना, जब आप लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है उस टाइम समझ लिया करो अच्छे से, अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम करेगा। आईएनटी क्या है, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये पूर्ण संख्याओं को दर्शाती है, जैसे 11, 21, 51 इत्यादि। दशमलव संख्या इसमें अलाउड नहीं है। फ्लोट क्या है, इसमें दशमलव संख्या अलाउड है, मतलब अगर कोई पॉइंट की बात करें, रेडियस वगैरह निकालना है, रेक्टेंगल वगैरह निकालना है उसका मान, तो फ्लोट में निकलता है। तो क्या लगना, जैसे 3.1 पाई का मान निकालना हो तो हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। ये वाइट क्या होता है, सी में इसका प्रयोग फंक्शन का मान रिटर्न करने के लिए या वैल्यू को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट लिखा है साइन कैरेक्टर, ये क्या है उसको समझना अच्छे से। ये क्या है, देखो लिखा है इसमें साइन कैरेक्टर 128 और से लेकर 127 तथा अनसाइन कैरेक्टर 0 से लेकर 255 अक्षर आते हैं। क्योंकि इसमें जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखो जब प्रोग्राम आप बनाओ, जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। मान लो कोई ऐसा ब्लॉक बना रहे हो जिसमें डेटा आपको आपका ये मान लो कॉलम बन रहा है, ठीक है ना, ये कॉलम है ये रो है, इनमें क्या करना है आपको डेटा फीड करना है। एक बड़ा डेटा हो सकता है, तो अगर जितना साइज का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनको बोलते हैं हम ऑपरेटर। ठीक है, इनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो आपको दिखता है ये वाला, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और इसको बोलते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा है 13, यदि हमें स्कैनफ अथवा गेट कैर फंक्शन का प्रयोग किसी प्रोग्राम में करना है तब हमें मेन फंक्शन से पहले स्टडियो डॉट एच नामक हेडर फाइल जोड़ना होता है। यह एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। देखो एक ये भी प्रॉब्लम करता है बार बार स्टूडेंट लोग को कि ये क्या आ गया स्कैनअप, तो जान लो इसका स्कैनअप मतलब क्या होता है, इनपुट देना। और इसका जो डेफिनेशन होता है वो स्टडियो डॉट एच में होता है। मैंने एक दूसरे तरीके से भी बताया है कि आप बिना स्टडियो डॉट एच लिखे भी प्रोग्राम को रन करा सकते हो। क्या लगना, ये होता है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लिखा कि एंड, ये क्या है, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं ये और, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट। ये आते हैं लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत। ये क्या होता है, एक्स प्लस प्लस जो आगे होता है इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और जो पीछे होता है इसको बोलते हैं प्री। प्री मतलब क्या होता है, देखो प्री मतलब जो पहले हो सकता है, पोस्ट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो रही है। देखो अगर मीनिंग समझना है तो पहले मीनिंग समझ लेना अच्छे से, ठीक है, ये परेशान करता है बार बार। पोस्ट मतलब क्या हो जाएगा, जो आगे हो सबसे, और प्री मतलब पीछे। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, और ये इसका भी मतलब इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना। तब देखो इसके जो आगे होगा माइनस, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट मतलब घटना। ठीक है, दोनों बात वही है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ध्यान देना इसमें क्या होता है कि पहले वैल्यू जुड़ती है, सॉरी पहले वैल्यू आएगी फिर उसके बाद एक इंक्रीज होता है वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू का मान जुड़ जाएगा फिर कैलकुलेट होकर आता है। ठीक है, इसका मैंने प्रोग्राम बनाया है, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। ठीक है, आपको वहां पे समझ में आ, चलिए इसको देख लेते हैं और भी आगे। इनको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर, जो होता है ना ऐसे सिंबल, ठीक है, और डॉट डॉट होता है, इनको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर। और यहाँ पर जो होता है पहले अगर इंटू कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा है ये इंटू हो गया, उसके बाद भी इज इक्वल टू लगा दीजिए, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू जोड़ी लिखा जाए 2 प्लस 2 प्लस 5, यहाँ पे इसका रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करना वैल्यू को। अब देखो लिखा है 20 नंबर, देखो लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में टू वे डिसीजन लेने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीन ऑपरेंड पर निर्धारित होता है, इसे इफ से शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, बाइनरी मतलब क्या होता है, जो दो डिजिट को संभाले, ठीक है ना, और टर्नरी मतलब तीन की बात करें हम, ठीक है ना,
अब देखो नेक्स्ट लिखा है, नेस्टेड लूप क्या होता है उसको समझो अच्छे से। नेस्टेड लूप प्रोग्रामिंग प्रोग्राम के लॉजिक को पूरा करने के लिए कभी कभी एक लूप को दूसरी लूप के अंदर का सॉरी प्रोग्राम के लॉजिक को पूरा करने के लिए कभी कभी एक लूप को दूसरे लूप के अंदर प्रयोग किया जाता है। वही लूप और अंदर का लूप समान नहीं होता है। देखो मतलब एक एक इफ के अंदर बहुत सारे इफ एल्स का इस्तेमाल करना, ठीक है ना, मतलब कंबाइन कर देना बहुत सारे इफ एल्स यूज होता है, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा है गो टू क्या होता है। गो टू समझना, ब्रेक समझना, कंटिन्यू। ठीक है, इसका मैंने अलग से सेशन बना करके अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखेंगे, देखिएगा समझना हो तो। गो टू ब्रेक और कंटिन्यू जो होता है इसको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। चलो, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो गो टू ब्रेक ये है क्या, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो जंप स्टेटमेंट के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं एग्जिट फंक्शन क्या है। प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट के साथ एग्जिट जो फंक्शन भी कार्य में सॉरी प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट के साथ एग्जिट फंक्शन भी साथ में कार्य करते हैं। यह सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी फंक्शन है। इसमें हेडर फाइल के लिए स्टेट डॉट लीब का साथ में जोड़ना जरूरी होता है। जो एग्जिट फंक्शन होते हैं ना उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है स्टेट स्टेट लीब यानी स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच, इसका पूरा नाम होता है। अब नेक्स्ट देखो, देखा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होता है। अब नोटिस किया होगा ना यहाँ पे जो ये आपको ब्रेसेस मिलता है और नीचे जो स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, क्या लगना मतलब क्या, एक बार फिर से समझो ध्यान से। जो हम लिखते हैं मेन, ठीक है, मेन लिखने के बाद यहाँ हमने लिख दिया मेन, यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज स्टार्ट होता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं, बीच में हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लगना इस बात का, इसको बोलते हैं फंक्शन। तो इसमें लिखा है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, सी लैंग्वेज की एक खास विशेषता है। अगर एडवांटेज की बात करेगा तो आप इस टॉपिक को ऐड कर सकते हो सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखो लिखा है सभी स्टेटमेंट जो होते हैं जो मिडिल कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं, मतलब यही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें प्रोग्राम को कंपाइल कराना हो, जब अगर टर्बो सी पे प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल करना हो तो हम क्या करते हैं अल्ट के साथ F9 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंपाइल क्या करता है, पूरे पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है। उसके बाद अगर प्रोग्राम को रन करानी हो, रिजल्ट देखना हो, तो कंट्रोल F9 का इस्तेमाल करोगे। और अल्ट F5 का क्यों यूज करोगे, अगर आउटपुट चेक करना है आपको तो अल्ट के साथ F5 का इस्तेमाल कर सकते हो। F2 से क्या होगा, F2 का इस्तेमाल करोगे आप, कोई अगर आपने प्रोग्राम बना लिया तो आप F2 करके सेव कर सकते हो। एक होता है F3, कोई प्रोग्राम अगर ओपन कर देखना चाहते हो तो आप F3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ जो हैश बना होता है ना, आपने नोटिस किया होगा जब प्रोग्राम लिखते हो तो यहाँ पे हैश बना होता है। इसको हैश को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब लिखा है कि सिंबल इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो लिखा है कि स्टडियो फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वेयर इनपुट आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट लिखा है परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का जो साइन होता है इज अ स्पेशल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज बाय द प्रिंट फंक्शन। ये हमने यूज करते हैं प्रिंटर में हमेशा, ये परसेंटेज वाला ख्याल होगा आपको। ठीक है, दिस इज, इसके बाद नेक्स्ट देखो लिखा है डी इज यूज फॉर इंटीजर वैल्यू विच इज डिस्प्ले। अगर इंटीजर वैल्यू लेते हैं, मैंने डिस्कस किया है पूरे पूरे सेशन को कि डी का यूज हम कहाँ करेंगे, और उसके बाद हमने यूज किया कि एफ का यूज कहाँ करेंगे, सी का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है ना, डी का इंटीजर वैल्यू के लिए, एफ का फ्लोट मतलब डेसिमल के लिए, सी के लिए सी का यूज यूज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू यानी कैरेक्टर को इंक्लूड कराने के लिए, प्रिंट कराना हो तो। इसके बाद नेक्स्ट देखो लिखा है स्कैनर फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट एनी डेटा वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। मतलब क्या होता है कि जो स्कैनर होता है जब हम इसको इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो वहां पे हम एक इनपुट लिखते हैं ना, नंबर कोई नंबर देते हैं, फिर इंटरफेस करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट मिलता है। तो हम क्या करते हैं स्कैनअप का यूज हम इनपुट देने के लिए यूज करते हैं, कि स्कैनअप बार बार यूज होता है। अब बात करते हैं हैज इंक्लूड क्या लिखा होता है, इसको बोलते हैं दिस इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर, उसको निर्देश देता है कंपाइलर को टू इंसर्ट अ फाइल एट द प्लेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब क्या करता है ये प्री प्रोसेसर, क्या करता है किसी भी कंपाइलर को
एक इंस्ट्रक्शन देता है कि फाइल आप इंसर्ट करिए और रन कराइए। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, जब आप सी लैंग्वेज को ओपन करते हो ना सॉफ्टवेयर को, टर्बो सी को, तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है। आप इस स्क्रीन को छोटा करना चाहते हो, स्मॉल करना चाहते हो, तो अल्ट के साथ इंटर की यूज करिएगा ना, तो क्या होगा, सी लैंग्वेज जो प्रॉम्प्ट होगा वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट को इसको लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।